आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, प्री पैकेज प्री लेबल्ड आटा दाल चीनी, इसके ऊपर जीएसटी कब लगेगा, पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन, हमारे लाइव आने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि भाई ये क्या है आटा दाल चीनी। तो इस चीज को समझ लेना, गवर्नमेंट ने पहले क्या कहा था कि भाई ये जो आटा दाल चीनी है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप आटा दाल चीनी को बेचते हो पैकेट में बंद करके तो हम आपसे जीएसटी ले लेंगे। सर क्या बात हो गई, पैकेट में ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा अगर पैकेट में है तो इसका मतलब तुम बड़े आदमी हो, ब्रांडेड आइटम बेच रहे हो। अरे सर ब्रांड नहीं है, सिर्फ पैकेट में डाला है तो कह रहे तब भी जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ पैकेट में डाला है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये बात बड़ी कमाल की है कि ऐसी पन्नी लेकर आया जाए, ऐसी पॉलिथीन हम लेकर आए जिस पे कुछ ना लिखा हो, जिसके ऊपर कोई स्टिकर ना लगा हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कहां पर जीएसटी लगेगा कहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्या कहते हैं, ये सप्लायर है रोहित, ठीक है ना, और ये कस्टमर है मोहित। अगर ये 20 किलो का दाल का पैकेट लेते हैं, एक दाल का पैकेट है 20 किलो का, अगर ये लेते हैं इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ जी, गवर्नमेंट ने बोला अगर ये पैकेट 25 किलो से ज्यादा का होता तो हम इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाते। मतलब कि अगर अब आपको जीएसटी से बचना है तो अपने घर में स्टॉक करके रख लो, दाल का कट्टा मंगाओ 25 किलो का, चीनी का कट्टा मंगाओ 50 किलो का, आटे का कट्टा मंगाओ 50 किलो का, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 25 किलो तक है तो जीएसटी लग जाएगा। तो इस वाली केस में कस्टमर मोहित को जीएसटी देना पड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है 25 किलो से कम खरीदा जीएसटी लग जाएगा। अब आगे की कहानी सुनो, ये मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरर तो एक एक किलो में बेचता नहीं है, उसने अपनी दाल का कट्टा दिया 40 किलो का, और ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटर को 40 किलो का मिल गया तो कोई जीएसटी नहीं है। गवर्नमेंट कह रही कोई जीएसटी नहीं है, 25 किलो से ऊपर है। लेकिन अब ये रिटेलर आया, अब इसकी दुकान पर तो नहीं आते 40 किलो वाले ग्राहक, इसकी दुकान पर 10-10 किलो वाले ग्राहक आए। अब ये जो 10-10 किलो वाले ग्राहक आए, इन्होंने इसे सेल कर दिया, इस पर जीएसटी आ गया। अब मजे की बात समझो, एक ही एचएसएन है, दाल का तो एचएसएन एक ही होगा, एक ही एचएसएन है, पीछे वो एग्जेम्प्ट है और आगे वो टैक्सेबल है। कमाल की बात हो गई, बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं कुछ परचेज कर रहा हूं, वो एग्जेम्प्ट है और आगे सेल कर रहा हूं तो टैक्सेबल है, ये सच है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये सच है या नहीं है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन हो गई। अब ये 10-10 किलो में इन्होंने बेचा है तो इसलिए इनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ये प्री पैक्ड है, प्री लेबल्ड है। लेकिन मैं कहता हूं अगर ये इस दाल के ऊपर से स्टिकर हटा दे, इस पे कुछ ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, बस हाथ में लेने से पता लग जाए कि ये 10 किलो की है या 5 किलो की है या 1 किलो की है। कई बार आपने अपने दुकान पर देखा होगा, जब आप दुकानदार से सामान लेने जाते हैं तो वो एक प्लास्टिक की पन्नी में आपको पैक करके दे देता है, उसमें लिखा कुछ नहीं होता कि 1 किलो है 2 किलो, कुछ नहीं लिखा होता भाई साहब उस पर, बस अंदाजे से तुम्हें विश्वास होता है कि हाँ भाई 1 किलो ये होगी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर वो स्टिकर लगा देंगे तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो कोशिश क्या करनी है, या तो 25 किलो से ऊपर सामान खरीदना है, या ऐसी दुकान से सामान खरीदना है जिसकी पॉलिथीन पे कुछ ना लिखा हो, या बोल दो भाई पॉलिथीन में दे ही मत, जो दूसरी वाली पॉलिथीन होती है ना, साथ के साथ तोल के, हम पे समय है, साथ के साथ तोल कर दे दे हमें माल, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। तो अब आपको यह समझना होगा कि जब आप दुकान पे सामान खरीदने जाए तो किस पर जीएसटी है किस पर नहीं। ये वाली वीडियो हर व्यक्ति के लिए, इसे अपने मोबाइल में यूट्यूब में शेयर कर दो हर जगह, क्योंकि सामान तो सब लोग ही खरीदते हैं ना, तो अल्टीमेट कंज्यूमर को भी पता होना चाहिए कि किस पर जीएसटी है और किस पर जीएसटी नहीं। सर ये आप कहां से पढ़ा रहे हो? मैं, हमारी मैगजीन अगस्त 2022 की तैयार हो चुकी है, ये हमारे अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी। अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इसका सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि इस बार हमारे एडिटर साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी है, तो इसके रेट भी बढ़ सकते हैं। तो इससे पहले रेट बढ़ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। किस नंबर पे बात करके सब्सक्राइब करोगे? 9999323164, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब एक अलग एग्जांपल ले लो,
अब मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला कि भाई ऐसा करो 10-10 किलो के 4 कट्टे अलग से पैक कर दो और एक बड़े कट्टे में इन चारों कट्टों को पैक कर दो, तो टोटल वेट कितना हो गया 40 किलो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, ये 10-10 किलो की सेपरेट पैकिंग है, हम जीएसटी लेंगे। तो इस वाले केस में भी जीएसटी आपके ऊपर लग जाएगा। तो यहां पर ये बात आपको समझनी है कि अगर आपको प्री पैकेज प्री रेबल गुड्स आप लेते हो तो कब कब जीएसटी लगेगा, कब कब जीएसटी नहीं लगेगा। कोशिश करो कि भाई जब भी आप सामान लो, गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई पॉलिथीन तो हमने बंद कर ही दी है, ठीक है ना, तो जो चीज पॉलिथीन में पैक होगी प्री लेबल्ड होगी हम उस पर जीएसटी लगा देंगे। तो गवर्नमेंट का मानना यह है कि हिंदुस्तान को हम प्लास्टिक फ्री कर देंगे, इसलिए उन्होंने जीएसटी लगा दिया है प्री पैकेज आइटम पे। तो अब लोग क्या करेंगे, अब इस बात को आपको समझना कि कंपनियां क्या कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी क्या कर रही है, वो कह रही है अपने पास कोई आइटम ही नहीं है 25 किलो से कम। अगर आपको हमसे आटा खरीदना है, आशीर्वाद आटा खरीदना है, तो 50 किलो का पैकेट देंगे भाई साहब, 30 किलो का पैकेट देंगे। और अब आशीर्वाद आटा अगर मुझे खरीदना है कपिल जैन को, तो अब वो पैकेट में नहीं मिलेगा आशीर्वाद में, मुझे विश्वास करना पड़ेगा दुकानदार पे कि भाई ये 50 किलो का आशीर्वाद का बड़ा पैकेट लाया था और उसी में से मुझे ये तोल तोल कर दे रहा है बिना ब्रांडिंग के, बिना लेबलिंग के। तो अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को बड़ा फायदा हो गया और बड़ा नुकसान भी हुआ। पहले 25 किलो से ऊपर या कोई भी ब्रांडेड होता था तो गवर्नमेंट को इस पर टैक्स आता था या नहीं आता था, बोलो जी। हाँ जी बिल्कुल आता था, क्योंकि पहले तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। अगर ब्रांडेड आटा 50 किलो में भी होता था तब भी आता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बड़े कॉरपोरेट्स को रिलैक्सेशन दे दिया और अब बड़े कॉरपोरेट्स ने टैक्स प्लानिंग क्या कर ली कि भाई हम खुला 1-1 किलो, 2-2 किलो, 4-4 किलो देंगे ही नहीं, हम कितना देंगे 25 किलो से ऊपर देंगे, जिससे कि हमारी जो सप्लाई है वो क्या बन जाए, एग्जेम्प्ट बन जाए। तो अब आपको दुकानों पर पुराना कल्चर देखने को मिल सकता है कि भाई आप खड़े रहो, हम तुम्हारे सामने आशीर्वाद आटा बेचेंगे, तुम्हारे सामने दावत राइस बेचेंगे 50 किलो के कट्टे में से, क्योंकि आप पे जीएसटी ना लगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी पैकिंग में लोगे तो आप पर जीएसटी लग जाएगा। या हम पर विश्वास कर लो, हमसे ऐसी पन्नी में पैक करा लो जिस पर हम कुछ नहीं लिख के देंगे, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, ठीक है, बहुत बहुत मेमेज बन रहे हैं कि भाई कहां जीएसटी है कहां जीएसटी नहीं है। तो दुकान के बाहर आपने देखा होगा कट्टे रखे रहते हैं, ठीक है ना, कट्टों में चावल रखे रहते हैं, उन कट्टों में से चावल लोगे तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन वही चावल 1 किलो के पैकेट में रखा हुआ है, सुंदर सी यहां पर हीरोइन छपी हुई है और इस पर लिखा हुआ है दावत राइस, ठीक है ना, दाना दाना खिल जाए, उस पर जीएसटी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप घर का सामान खरीदे तो किस पर जीएसटी है किस पर जीएसटी नहीं, ये चीज भी समझ ले, जीएसटी की ये वाली वीडियो देख ले। और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो 24 तारीख को वेबिनार कर रहे हैं जिसके अंदर बताएंगे भाई किस पर जीएसटी है किस पर नहीं, किस में एग्जम्पशन है, क्या नए रेट चेंज हुए, क्या आरसीएम में एंट्री है। अगर इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन करा लो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। मैगजीन लेनी है तो मैगजीन के लिए भी इस नंबर पर व्हाट्सअप करके रजिस्ट्रेशन करा लो। और अगर आपकी फैमिली में, रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में कोई सीए स्टूडेंट है तो उसे बता दो कि केजे क्लासेस ने जीएसटी पढ़ाना शुरू कर दिया है सीए स्टूडेंट को, आईपीसीसी वालों को। तो अगर उस बैच में एडमिशन लेना है तो फेस टू फेस में भी आ सकता है, गूगल ड्राइव में भी। कमेंट करके मुझे बताओ कि अब आपको पता लग गया होगा कि घर का सामान लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ठीक है ना, किस पर जीएसटी लगेगा किस पर नहीं। हो सकता है आपकी वाइफ सामान लेने जाए, वो ऐसा आइटम उठा लाए कि जिस पर जीएसटी हो, लेकिन आपने ये वीडियो देखी है, ठीक है ना, तो उसके बाद जब आप आइटम खरीदने जाओ वही सेम आइटम लेकर आओ और आप जीएसटी ना देकर आओ। तो ये चालाकी आपको भी समझनी है, अपनी वाइफ को भी समझानी है, अपने रिश्तेदारों को भी समझानी है। तो इस वीडियो को अपने फोन में हर जगह पर शेयर कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।